अखबार, न्यूज़पेपर, अगर बहुत सारी खबर को उर्दू में बोलेंगे तो जो उसका प्लूरल है, जो उसका बहुवचन है, उसको अखबार बोलते हैं, न्यूज़पेपर बोलते हैं या समाचार पत्र बोलते हैं। ये जो अखबार है इससे बच्चा बच्चा वाकिफ है, मगर कभी आपने ध्यान नहीं दिया कि अखबार आपके जीवन में जहर घोल रहा है या आपके घर में मिठाई घोल रहा है आपके मन में। सुबह सुबह जब आप अखबार आता है और आप अखबार देखते हैं, तो अखबार देखकर आप अखबार पढ़ने के बाद ये चेक कीजिए कि अखबार पढ़ने से पहले आपका जो मन था वो किस तरह का था और अखबार पढ़ने के बाद आपका मन कैसा हो गया। अधिकतर केसों में अखबार पढ़ने के बाद लोगों का मन बुझ जाता है, भारत के अंदर उनका मन खराब हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं, उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। अखबार बीमारी का, डिप्रेशन का, अवसाद का, मूड खराब का, समय खराब का, पैसा खराब का एक बहुत बड़ा जरिया भारत के अंदर बन चुका है। अखबारों में जो पेपर लगता है वो बाहर से भी आता है, यहाँ से भी आता है और सब्सिडी में वो अखबार के मालिकों को मिलता है, सरकार सब्सिडी में देती है। जैसी मेरी जानकारी काफी पुरानी रही है, क्योंकि अखबार जितने पैसे में छपता है या आता है उससे सस्ता भेजा जाता है, तो फिर इसका भरपाई कौन करता है अखबार की? क्योंकि अखबार जितने में आता है सरकार उसके कागज को सब्सिडी में देती है, छूट में देती है, आपसे पैसा कम लिया जाता है, उसके बाद भी अखबार धड़ल्ले से बिकते हैं और छपते हैं। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो अखबार का, तो अखबार का एक विश्लेषण अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अखबार हमारी जिंदगी में कितना जहर घोल रहा है या कितना मिठाई घोल रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप अखबार पढ़ें उससे पहले अपना मन देखें, मन चेक करें और अखबार पढ़ने के बाद अपना मन देखें कि अब पहले में और अब में अखबार पढ़ने के बाद में आपका मन ठीक हुआ है या आपका मन खराब हो गया है। अखबार बेसिकली इसलिए होता है कि जो जानकारी पूरे देश की है, पूरे समाज की है, वो उसके अंदर आनी चाहिए, मगर अखबार बहुत ज्यादा पार्शियलिटी करते हैं, बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, इतना ज्यादा भेदभाव करते हैं, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। अखबार में जो लिखा जाता है वो लिखने वाले की मर्जी है, वो अखबार के मालिक की मर्जी है, या जो पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल पोजिशन में बैठे हैं, वो क्या लिखवाना चाहते हैं उनकी मर्जी है। एक बार हम एक खबर छपाने के लिए अखबार में गए थे, हमने बहुत मिन्नत की क्योंकि अखबार के बहुत सारे सेक्शन होते हैं दफ्तर में, अलग अलग सेक्शनों को अलग अलग लोग कवर करते हैं, जिस सेक्शन की खबर थी हम वहां पहुंचे, उसने हमको बड़े बेकार से ट्रीट किया, जबकि हमारे पास खबर सार्वजनिक थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत अनमने मन से उसने खबर हमसे ली और खबर को उल्टा मोड़ कर उसे छाप के हमें पकड़ा दिया। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि खबर हमने देके आए थे, उसकी मर्जी है वो कैसा छापे, उसकी प्रेरोगेटिव है, उसका राइट है, मगर ये राइट इसलिए नहीं बनता उसका क्योंकि अखबार सार्वजनिक है, सार्वजनिक है, सबके लिए है, तो उसमें खबर ठीक ही आनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए हितकारी हो, लोगों के लिए हितकारी हो, बेशक चाहे वो कड़वी है, चाहे बेशक वो मीठी है। अखबार में जो एडिटोरियल होता है वो एडिटोरियल वाले मानसिकता पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है जो लिख रहा है, क्योंकि एक अच्छी खबर को भी वो खराब कर सकता है और एक खराब खबर को भी वो आपके दिमाग में डाल सकता है, अगर उसका माइंड पहले से ही प्रिजुडिस है, एक तरफ झुका हुआ है, अगर वो अपने माइंड को इस्तेमाल करता है उस खबर को, उस एडिटोरियल को बनाने के लिए। अखबारों के जो मालिक होते हैं वो लगभग एक ही समुदाय और एक ही तरह की सोच के होते हैं। अखबार पूरी जनता का होता है मगर उसमें जनता की 90% जनता की कोई खबर नहीं आती जब तक कि कोई बहुत बड़ी मास लेवल पे कोई क्राइसिस ना हो जाए। कभी उसके अंदर गरीबों के उत्थान की बात नहीं आएगी, कभी गरीबों के हक की बात नहीं आएगी, कभी उसके अंदर जो पीड़ित लोग हैं उनके हक की बात नहीं आएगी। पैसे वाला अगर कोई घटना हो जाए, कोई जहाज टकरा जाए या कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए और पैसे वाला है या पावरफुल है, तो उसकी खबर मेन पेज पे आपको दिखाई देगी, वरना आपको पैसे वालों के जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं वो सारे दिखाई देंगे। वो सारे एडवर्टाइजमेंट, सारे विज्ञापन हमारे दिमाग में डाले जाते हैं ताकि हम उनका उत्पाद खरीदें। अखबार में खबर कम आती है और विज्ञापन ज्यादा आते हैं। अखबार के अंदर जो खबर आनी चाहिए डेवलपमेंट की, विकास की, वो कहीं नहीं आती। जो खबर आनी चाहिए दोनों पहलुओं की, वो नहीं आती, एक ही पहलू की खबर आती है। आप अगर अखबार को ध्यान से देखेंगे तो अखबार पढ़ में ज्यादातर क्राइम की, मारने की और मरने की खबरें आती हैं, जो डराने वाली खबरें होती हैं
उन खबरों को प्रमुखता से छापा जाता है जो आपके मन में अवसाद पैदा करती हैं, घृणा पैदा करती हैं। अखबार में अंदर सारी जितनी भी मूवमेंट्स होते हैं पूरे देश के, वो सारे मूवमेंट्स कवर नहीं करते, वही मूवमेंट्स कवर किए जाते हैं जो मूवमेंट्स उनको या तो पैसा देते हैं या विज्ञापन देते हैं या जो पोजिशन में बैठे हों या जिनका अखबार होता है या जिनको अखबार से कुछ फायदा होता है। दूसरे पक्ष का या सारे पक्ष की खबर अखबार में नहीं आती। अखबार का जो स्टाफ होता है वो स्टाफ पर निर्भर करता है कि उसको किसने चुना है और कैसे चुना है। अधिकतर स्टाफ एक ही मनोवृत्ति का सारे अखबारों में चुना जाता है, लिया जाता है। अखबार का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अखबार की जो कीमत है वो कुछ सरकार देती है सब्सिडी के रूप में और बाकी विज्ञापन में बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं जो बड़े बड़े लोग हैं। हमारे पास अखबार इसलिए सस्ते में आता है ताकि हमें वो पढ़ने को मिले और उनकी बातें हमारे दिमाग में आ जाएं, हमारे बच्चे उनके विज्ञापन को देख के उनका सामान खरीदें या हम उनके एडिटोरियल को पकड़ के पढ़ के अपने दिमाग को बदल लें या उनकी बात को सच मानना शुरू कर दें या जो वो उसमें परोस रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो हमारे दिमाग तक पहुंच जाए। इसलिए उसकी कीमत जो एक्चुअल कीमत है उससे कम रखी जाती है। इसलिए अखबार की कंपनियां जबरदस्ती अपना सर्कुलेशन बढ़ाती हैं ताकि वर्चस्व वाले लोगों का समाचार लगातार हमारे दिमाग में आता रहे और हम उनकी गलत बात को सही तरह से मानने के लिए बाध्य होते रहे और हमारा मन मस्तिष्क उसी हिसाब से काम करे। अखबार सभी पक्ष का होना चाहिए, मगर अखबारों का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अखबार एक ही पक्ष की लगभग बात बताता है, कभी राष्ट्र के उत्थान की बात नहीं बताता। राष्ट्र में किन लोगों ने क्या क्या किया, राष्ट्र की अवनति करने के लिए नहीं बताता। कितने लोग देशद्रोही हैं कभी नहीं बताता। अखबार सिर्फ या तो विज्ञापन बेचता है या पावरफुल लोगों का काम करता है या एक तरफा खबर देता है या जो उसका स्टाफ जिस मानसिकता का होता है उसकी खबर देता है। इसलिए एक अखबार एक पक्ष का होता है तो कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे अखबार बना लिए जो दूसरे पक्ष के होते हैं। कायदे में सभी अखबारों को, जितने भी अखबार हैं उनको निष्पक्ष होना चाहिए, मगर भारत में ऐसी पोजीशन नहीं है। इसलिए जो बाहर के एडिटोरियल आते हैं, जो विदेशों के आते हैं, उनमें और भारत के एडिटोरियल में बड़ा अंतर दिखाई देता है। सारे अखबारों में एक खबर को अलग अलग तरह से पेश किया जाता है, जो जैसा पक्ष होगा वैसी खबर वो उसको बना के देता है। अगर आप एक ही समय के सारे अखबार उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खबर कहां से कहां पहुंच गई और किस अखबार ने किसको खबर को कैसे लगाया है। अखबार क्योंकि हमारे जैसे लोग जो अखबार लेते हैं वो अखबार पढ़ते नहीं है, सिर्फ एक सरसरी निगाह देखते हैं, कोई काम की बात छोटी मोटी मिलेगी ठीक है, बाकी एहसास हो जाता है कि इस अखबार में सिवाय मूड खराब करने की कोई चीज नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अखबार को ज्यादा सीरियस ना लें, हो सके तो बंद कर दें। अगर बंद नहीं करते हैं तो उसको रद्दी में बेचने के काम लें या जूता साफ करने के काम लें या टेबल साफ करने के काम लें या जो पुराने बर्तन वगैरह साफ करके लपेटने काम आते हैं वो लें या जाड़े में हाथ सेकने के काम लें। अखबार की न्यूज को पढ़ के बिल्कुल भी सीरियस ना हो। अखबार की न्यूज सीरियस होने के लायक नहीं है, ये एक तरफा न्यूज आती है। सावधान रहें, उसका एनालिसिस करें, उसे देखते रहें और हो सके तो अखबार के मालिक को मैसेज करें कि आपकी ये न्यूज जो आपने इसमें छाली है ये एक पक्षीय न्यूज है, इसको बहुपक्षीय नहीं है, ये पार्शलिटी वाली न्यूज है, इसमें आपने पूरी बात नहीं उठाई है, आपका अखबार सब सिर्फ विज्ञापन विज्ञापन देता है, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, ये हमारे मन को खराब करता है, इसमें अच्छी चीजें नहीं आ रही हैं, अखबार अपना स्वरूप खो चुके हैं। इसलिए ध्यान दें, अपना पैसा बचाएं, अपना समय बचाएं, अपना स्वास्थ्य बचाएं। धन्यवाद।